फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए और एंटरटेनमेंट का मज़ा लेते रहिए। कई शो आते हैं, कई चले जाते हैं, पता नहीं चलता, लेकिन जिनकी टीआरपी अच्छी आती है उनकी चर्चाएं कुछ ज़्यादा ही होने लगती है। फिर चाहे शो शुरू होने से पहले उनकी चर्चाएं इतनी ना हो, लेकिन जिन शो की चर्चाएं बहुत ज़्यादा होती हैं और फिर जब टीआरपी आती है कम, तो कहीं ना कहीं उनकी चर्चाएं एकदम से डाउन हो जाती है। फिर फैंस नाराज़गी जताते हैं, कोई कहता है स्टोरी अच्छी नहीं है, तो कोई कहता है टाइम अच्छा नहीं है, कोई कहता है प्रोडक्शन अच्छा नहीं है, तो कोई कुछ, सब अपनी अपनी राय देते रहते हैं। लेकिन पिछले हफ्ते 3 नए शो शुरू हुए आईपीएल के बाद, वो एक सोनी पे पुकार, दिल से दिल तक, फिर आपका कलर्स पे सुहागन चुड़ैल, और फिर है आपका स्टार प्लस पे माटी से बंधी डोर। तीनों ही शो की अगर कहानी देखी जाए तो औसम है, जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। अगर टीआरपी थोड़ी या डाउन आती है तो वजह सिर्फ स्लोट होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, या फिर कहानी पूरी ना करना, कहानी को फास्टिंग करना, उससे भी टीआरपी पे बहुत असर पड़ता है। लेकिन अगर हम बात करें सबसे पहले पुकार की, दिल से दिल तक, जो सोनी पर आप देख रहे हैं, ऐसे में जो बैकग्राउंड है वो बहुत अच्छा है, स्टारों के जो सपोर्टिंग रोल है वो ऑसम है, म्यूज़िक बहुत अच्छा दिया है, बाकी जो है जो मेन लीड की एक्टर्स है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दबी भी लग रही है, ओवर ज़्यादा लग रहा है कि उनको जो है ज़्यादा दिखाया जा रहा है। सबसे पावरफुल करेक्टर उनकी दादी का लग रहा है, जो एक दहशत पैदा कर रहा है। ऐसे में जो है आपके शो की टीआरपी 0.3-0.4 तक बता रहा है, अगर इतना भी आता है तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि सोनी पे तो आजकल 0.2 का क्रेज सा चल रहा है। अब बात आती है आपकी उससे बड़ी शो की, सुहागन चुड़ैल की, जो कि कलर पर है और एक जो है कह सकते हैं सुपर नेचुरल या हॉरिबल इस तरह का शो है, जिसकी कहानी शुरू होने से पहले ही बता दिया था कि उसके 90 एपिसोड होंगे, अब वो एक सीरीज़ होगी। ऐसे में जो है निया शर्मा इसमें मेन लीड में नज़र आ रही है, जो कि हमेशा जवान रहने के लिए नए नए जो है लड़कों को ढूंढती है और जो है उन्हें जो है उनकी पावर ले लेती है। ऐसे में कहानी इससे पहले हमने इस तरह की सुनी हुई है, लेकिन निया शर्मा की एक्टिंग फैंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। काफ़ी लंबे टाइम बाद निया शर्मा का कमबैक फैंस को काफ़ी पसंद आया है। ऐसे में उनका लुक हमेशा ही सोशल मीडिया में हम देखते रहते हैं, लेकिन एक्टिंग की बात करें तो उन्होंने बड़ी से बड़ी एक्टर को पछाड़ा है। अब बात करें उसकी टीआरपी की, तो 0.7-0.8 टीआरपी बता रहा है, क्योंकि लेट टाइमिंग में है, 10:30 पे है, इससे पहले कयामत से कयामत 0.4 टीआरपी देकर गया है, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो मे बी इन फ्यूचर में उसकी टीआरपी और बढ़ जाएगी सुहागन चुड़ैल की, बट ओपनिंग टीआरपी उसकी 0.6 या 7 बता रहा है। अब बात आती है आपकी माटी से बंधी डोर, जिसे आप स्टार प्लस पर देख रहे हैं, जो एक बेस्ट टाइमिंग में है, जिसने पांड्या स्टोर को रिप्लेस किया है। ऐसे में शो की कहानी काफ़ी दमदार लग रही है। अंकित गुप्ता का जो जलवा था या कहें जो पॉपुलरिटी थी, वो शो में इतना नज़र नहीं आ रही है, या कह सकें कि जो फीमेल है ऋतुजा, उनकी एक पावरफुल एक्टिंग लग रही है, वो पूरे शो को बांधे हुए हैं। ऐसे में फैंस ने गुहार भी लगाई थी कि स्टार प्लस जी कुछ ऐसा शो लाइए जो लड़कों पर भी आधारित हो, सारे शो आपके लड़कियों पे ही आधारित होते हैं। भाई, बात तो उनकी सही है फैंस की, लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो ऋतुजा एक हिंदी टीवी शो में काम ना करके एक मराठी बंगाल में शो में काम किया है, हिंदी में काफ़ी दमदार एक्टिंग उनकी नज़र आ रही है। बाकी अगर बात करें उसकी टीआरपी की, तो 1.4-1.5 तक इसकी टीआरपी बता रहा है ओपनिंग टीआरपी, अगर इतना भी आता है ओपनिंग तो सही है आजकल, क्योंकि टीआरपी बहुत कम आ रही है, लेकिन आईपीएल के बाद की टीआरपी सभी की अच्छी निकल कर आई है। तो इन तीनों शो में से आपका फेवरेट शो कौन सा है, किसकी लगती है आपको टीआरपी इतना नहीं आएगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बताएँ।